और आम इंतखाबात से कबल तरक्याती स्कीमों के लिए फंड्स के इजरा में भी तेजी आ गई है। असेंबली की तहलील, सुबह पंजाब में तरक्याती स्कीमों के लिए 26 अरब 35 करोड़ रुपए का इजरा, सिंध के एमएनएस के लिए 9 अरब 23 करोड़ 59 लाख रुपए जारी करने की मंजूरी दी गई है। बात करेंगे, शकील अहमद हमें ज्वाइन कर रहे हैं। शकील, क्या आदाद शुमार है मजीद? देखिए, आम इंतखाबात मुल्क में होने वाले हैं और असेंबलियां तहलील होने में अब तकरीबन 2 हफ्ते बाकी हैं। ऐसे में जो तरक्याती फंड्स हैं मैंने इसकी स्कीमों के लिए, उसके इजरा में तेजी आ गई है। हुकाम प्लानिंग कमीशन के मुताबिक अरकान पार्लियामेंट के लिए 47 अरब 20 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। ECC ने इसकी गुज़श्ता दिनों मंजूरी दी थी। उसमें से 26.9 अरब मौजूदा माली साल के बजट में से दिए गए हैं और 20.3 अरब पिछले साल के जो पेंडिंग थे उसमें से दिए गए हैं। तो पंजाब जो सूबा है वो तरजीह होगा, 26 अरब 35 करोड़ उसके लिए जारी किए गए हैं। सिंध के एमएनएस के लिए 9 अरब 23 करोड़ से ज्यादा, सूबा खैबर पख्तूनख्वा के लिए 8 अरब 96 करोड़ और इसी तरह बलोचिस्तान के एमएनएस को 2 अरब 52 करोड़ रुपए के फंड दिए जाएंगे जो कि तरक्याती स्कीमों पर खर्च किए जाएंगे। कौमी असेंबली की तहलील से कबल मजमूई तौर पर 61 अरब रुपए जारी होने का इम्कान है। इसके अलावा सुई नादन गैस पाइपलाइन से जुड़ी पंजाब में गैस स्कीमों पर मजमूई तौर पर जो आदाद शुमार है स्कीमों के हवाले से आप अपडेट कर रहे थे, बेहद शुक्रिया आपका शकील।